आपने यही देखा था? हाँ भाई देखिएगा सर, नीचे में जो बने हुए ना काले काले डोम, ये अकबर टाइम हमाम थे, हमाम समझते नहाने की जगह। बादशाह अकबर का कहना था हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अंदर जो भी लोग गुरु जी का दरगाह जाए तो फर्स्ट पहले यहाँ से स्नान करे, नहा धोने के बाद तब दरगाह एंट्री करे, क्योंकि अंदर दरगाह है बहुत बड़े गुरु का। नाम तो सुना होगा बाबा सलीम चिश्ती का, अकबर को से लड़ता हुआ। अभी पानी सूख चुका है, गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। ये नहाने की जगह थी, अंदर बाबा का कुंड, अपना हाथ उठते सर को कवर करते तब दरगाह जाते। अच्छा, और पानी कहाँ से आता था इसका? बारिश का? नहीं, बारिश का नहीं, पहले इसके अंदर पानी था, टैंक था। अच्छा, जमीन से यहाँ से 52 स्टेप है, 52 सीढ़ी नीचे से टॉप। हाँ, ये इसका मेन गेट है बुलंद दरवाजा। इस गेट का जो हाइट है नीचे पार्किंग से लेके ऊपर टॉप तक 176 फुट 176। अच्छा, ग्रेट फॉर्म पे जो लोग खड़े हुए हैं, जगह अंदर से एम्प्टी है। अच्छा, ताजमहल जो देखा है ना आपने, वो लकड़ी पे टिका हुआ है, बूट पर। ये लगा पिलर पे टिका है, पिलर बाई सब वहां से लेके 134 फीट इसका हाइट, 134 फीट इसका चौड़ाई, 90 फीट का है। तीन साइड जो लिखा हुआ है अरबी कुरान, सैम नकल ताजमहल, फतेहपुर शीखली ताजमहल से 100 साल पुराना है। फतेहपुर शीखली बनता, आगरा का ताजमहल भी बनता, क्योंकि अकबर ने बनवाया ताजमहल, अकबर की ग्रांड से छोटी साजा है। अभी शूज वगैरह अलाउड नहीं है ऊपर, वॉचमैन है वहाँ खोलेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। अंदर जो मेन चीज़ है वो गुरु जी का दरगाह, यहाँ जो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं अंदर, आज भी यहाँ जो भी लोग मन्नत करते 101% पूरी हुई। हर वक्त आना बुरा होता है, तब लोग गड़बड़ था इसे ऊपर जो नहीं पा रहा टाइम। किसी भी भाई का घोड़ा बीमार होता था, रेशमा हारता था, तो गुरुजी का दरगाह जाते थे अकबर के गुरुजी बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ लोग घोड़े इतने मन्नत करते, घोड़ा ठीक होता था मन्नतें पूरी होती थी, तो रिटर्न मार्केट जाते थे नया नाल लगा के, यहाँ निशानी के तौर पर नाल लगा, सीधा नाल गुड लक नहीं लगाते, घोड़ा सही होता। घोड़े के एक्सपायर हो जाते तो उल्टा नाल लगाते बैड लक के, सीधा जो नाल है वो गुड लक के, उल्टा नाल बैड लक। नाम की वजह से उसका साइज बड़ा किया था वो अंग्रेज के गुरु के नाल, 1905 में लगे, और यही फिल्म बना शाहरुख खान का परदेश। अच्छा, वो जो आती है जो गाने होते हैं दो दिन मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके नहीं बोला, तो पहले जो गाना गाया था शाहरुख खान ने गिटार लेके, वो यहाँ का शूटिंग सर। अकबर टाइम स्कूल का मदरसा, यहाँ बच्चे लोग पढ़ते थे उर्दू अरबी फारसी, क्योंकि अकबर टाइम को हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का अकबर ही कर पढ़ता। अच्छा, मदरसा ये साइड स्कूल बंद कर दिया, रूम अभी क्लोज है। मॉर्निंग टाइम में आज भी छोटी साइड स्कूल चालू है दरगाह के पीछे, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं मॉर्निंग टाइम में, आज भी वहाँ बच्चे लोगों की पढ़ाई होती है। तो सर यहाँ देखने के लिए दो जगह है, फतेहपुर एंड सीकरी। ये जगह आप लोग देख रहे हैं, ये जगह का नाम है केबिल फतेहपुर, इसके बैक साइड एक पुराना कॉम्पिटिशन का योगदान नहीं था। अकबर औलाद के लिए बहुत परेशान था, अकबर की पहली राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल दिल्ली थी, दिल्ली से अकबर औलाद की खातिर अजमेर गए। राजस्थान के अंदर आपने दरगाह का नाम तो सुना होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान का फेमस है, सबसे बड़ा दरगाह हिंदुस्तान का अजमेर के अंदर। वहाँ जाकर अकबर ने औलाद की खातिर तीनों वाइफ के साथ मन्नत की, पर वहाँ से अकबर की कोई मन्नत पूरी नहीं हुई। वहाँ से अकबर को ये वसारत हुआ सपना कि अकबर तुझको लड़को होगा फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ बाबा सलीम चिश्ती बैठ कर इबादत करती, उन्हीं की दुआ से तुझको लड़को होगा, वरना दुनिया में कहीं से नहीं होगी। तो अकबर टाइम को किला वगैरह नहीं थे, एक जंगल एरिया था पहाड़ी इलाका। तो इस पहाड़ी इलाके के ऊपर जो आप लोग दरगाह देख रहे हैं ना बाबा सलीम चिश्ती का, ये दरगाह नहीं था, यहाँ बैठकर बाबा सलीम चिश्ती प्रार्थना करते थे पहाड़ी इलाके को। तो अकबर नंगे पैर नंगे सिर औलाद की खातिर विदाउट शूज पैदल चल के अजमेर से फतेहपुर सीकरी पैदल चल के, तो अजमेर यहाँ से पड़ता है ना 350 किलोमीटर, तो उस टाइम वो किला नहीं था। अकबर टाइम बाबा के पैरों में गिर गया अकबर बादशाह तीनों वाइफ के, तो बाबा से बोलने लगा बाबा जान मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे पास तीन वाइफ है कोई औलाद नहीं। बाबा ने महारानी जोधाबाई हिंदू रानी को आशीर्वाद दिया, 9 महीने बाद हिंदू रानी से जोधाबाई से एक लड़का हुआ था बाबा की दुआ, उसका दूसरा नाम शिकू बाबा, उसको राजगद्दी पे बिठा ला, उसका तीसरा नाम जहांगीर। एक लड़का तो उसके तीन नाम थे, पहला सलीम, दूसरा शिकू, तीसरा जहांगीर। जहांगीर इस पूरे यहाँ का बाश। तो लड़के की खुशी में फाड़ी को कटवा के इसके लिए जंगल के ऊपर किला बनवाए फाड़ी इलाके को। 12 साल लगा किले को बनाने में,
1570 में स्टार्टिंग किया और 1582 कंप्लीट किया, क्योंकि अकबर को कोई लड़का नहीं मिलता, ये किला नहीं बनता, आगरा का ताजमहल ही बनता। अकबर को लड़का हुआ, लड़की का लड़का हुआ, बुलंद दरवाजे का नकल करके ताजमहल पे बनाया। ये जगह ताजमहल से 100 साल पुराने, आगरा से 450 साल पुरानी जगह। तो यहाँ जो मेन चीज़ है वो सामने दरगाह, यहाँ लोग बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं मन्नत करने, बाबा जिनको बुलाते वही लोग आते, जिनका बुलावा नहीं होते बुला खिलाते बनते लाखों भी कर जाते। इस ग्राउंड के अंदर वही लोग आते बाबा जिनको चाहते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सभी लोग अंदर जाते अपने सर को कवर। और इसके पीछे एक महल है, आपके पास तो टाइम नहीं है ना, वहाँ एक से लेके 1.5 घंटा लगता है, तभी आना नेक्स्ट टाइम, टाइम निकाल के वहाँ आप लोग ये घूमने के बाद फैमिली के साथ वहाँ घूमिए। किस चीज का महल है? वहाँ जोधा भाई का महल है, मरियम महल है, वहाँ की दरगाह वगैरह नहीं है, वहाँ शूज आप लोग पहन के घूमे, शूज अलाउड है। उसका रास्ता भी इधर ही से है, ये सामने है ना, बाहर से तो देख ही सकते हैं यहाँ से, यहाँ से 100 मीटर ऊपर नहीं दिखाई देगा, फिर उसके पैदल जाना पड़ेगा, 100 मीटर जाना पड़ेगा। अच्छा। गाड़ी तो आप उधर खड़ी रहने दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा। नहीं अब देरी हो जाएगी यार, वापस भी निकलना। यू आर हैप्पी? वेरी मच। एक शायरी सुनाता हूँ कि गुल खिले तो गुलशन भी खिलेंगे, बाबा बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिलेंगे। वो तो है। यहाँ बाबा का मेला लगता है, कभी आना बाबा के फेस्टिवल पर। कब? 20 में रमजान, रमजान होते ना रोजे, हाँ रमजान। आपको जो है नहीं पता, आप तो जो है बड़े मजे से पीछे खड़े हो गए हैं, और अब वहाँ वो मुझसे कह रहा पैसे दो, तो पैसे कहाँ से दिए? वो कह रहा लाइए हम दे दें, दे दीजिए। पूरी सिटी नजर आ रही है यहाँ से। यहाँ बैठ जाए, हेलो नीचे Thank you.